भारतीय खाने में घी की अहम भूमिका है। घी न केवल टेस्ट को बढ़ाता है बल्कि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल सेहत के लिए भी काफी लाभदायक है। घी का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है और इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में शुद्ध घी का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के तौर पर आपको घी बनाने के लिए सिर्फ मिल्क की जरूरत होगी। मशीन्स, क्रीम सेपरेटर, मिल्क पैस्चराइजर, क्रीम पैस्चराइजर, बटर मेकिंग मशीन, बटर मेल्टिंग सिस्टम, प्री स्ट्रेटिफिकेशन टैंक, घी बॉयलर, घी क्लैरिफायर, घी फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन। इसके अलावा आपको कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी, जैसे कि क्रीम स्टोरिंग टैंक, घी स्टोरिंग टैंक, घी सेटलिंग टैंक आदि। प्रोसेस। सबसे पहले मिल्क का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसकी केमिकल टेस्टिंग की जाती है। केमिकल टेस्टिंग पूरी होने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है, जिसके बाद इसे स्टोरिंग टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर मिल्क पैस्चराइजेशन मशीन की मदद से इसे पैस्चराइज किया जाता है, जिसके बाद क्रीम सेपरेटर की मदद से क्रीम को सेपरेट कर लिया जाता है और उसे पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइज क्रीम को CBM मशीन यानी कॉन्टिन्यूस बटर मेकिंग मशीन में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद इसे बटर मेल्टिंग सिस्टम की मदद से बटर को मेल्ट कर लिया जाता है और बॉयलर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां कॉन्टिन्यूस हीटिंग की मदद से घी तैयार किया जाता है, जिसके बाद घी क्लैरिफायर की मदद से इसे क्लीन करके घी स्टोरिंग टैंक में शिफ्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद पैकेजिंग सेक्शन में घी फिलिंग और पैकेजिंग मशीन की मदद से घी की डिजायर्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। एरिया। इस बिजनेस के लिए आपको 5 से 6 हजार स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। आप चाहे तो छोटे स्तर पर 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट एरिया से भी ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे प्लांट सेटअप के लिए आपको लगभग 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। मैन पावर। इस बिजनेस के लिए आपको 10 से 15 स्किल्ड और 10 से 15 अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। अगर आप चाहे तो इसे छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कम मैन पावर की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस को ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ अच्छे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स और फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होगी, उसकी कॉस्ट लगभग 1 करोड़ है। वर्किंग कैपिटल मिलाकर आपको इस बिजनेस के लिए 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आप चाहे तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 1 किलो घी को हम मार्केट में 400 से 450 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं और सभी कॉस्ट मिलाकर हम इसे 350 से 380 रुपए में रेडी कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 200 किलो घी का प्रोडक्शन करते हैं तो आप पर किलो 50 रुपए का प्रॉफिट बहुत आराम से अर्न कर सकते हैं। मार्केटिंग। घी की डिमांड ऑलमोस्ट हर घर में है और इसकी डिमांड हर डेयरी और रिटेल शॉप्स में बढ़ती जा रही है। आप अपने प्रोडक्ट को होलसेल में इन जगहों पर सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन मीडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना ब्रांड बनाकर भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME
एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofbi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।